श्री कृष्णकनैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय <laughs> जाको को निष विचार श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना की महिमा सोलवा प्रकरण है रचना में रचना के कार्य उसकी भी विशेषता होगी और रचना का स्वरूप उसकी भी विशेषता होगी दोनों बातें होंगी जा को नाम ही रसना होशी कैसी मीठी हक्का जिसका नाम ही रसना है जिसमें से रस ही रस रश निकलना निकलता हो और वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तो वो कितना वो कितनी अच्छी होगी जिनकी जैसी बुजुर्गी जुवा होता है तेन माफक जो जितने महान होते हैं ना उनकी रसना रसना कहने से वाणी भी आ जाती है ना तो वो उतनी ही महान होती है तो जो महान लोग होते हैं तो उनकी वाणी भी महान होगी और जिनकी वाणी में तुच्छता होगी तो वो फिर कैसे लोग होंगे इनकी रचना मीठी मीठी तो कोई चापलूस आदमी भी बोलेगा ना हाँ जो सच्ची हो और अच्छी हो हाँ कहनी ना आ वही विचार देखो मोविन ये बात कहने में कहने से नहीं होगा ये ब्रह्मात्मा विष्प विचार करके देखो हुए जागृत आरसा जागृत आरवा के कछु सो देखे रसना रोशन जो परमधाम की आत्मा जागृत होगी तो वो इस बात पर थोड़ा सा इसके महत्व को समझ पाएगी रोशन कहने से यहाँ पर यहाँ ये समझना पड़ेगा इस बात पर इनको उनको कुछ रोशनी होगी कुछ समझेंगे तो इसके महत्व को अति मीठी जुआ मासुक की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जीहा है बड़ी मीठी है मधुर है और सब देता आशिक को सुख व आशिकों को अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करते हैं कछु आरस रहे सुख लीजिए परमधाम की समझ प्राप्त करके परमधाम की दृष्टि से आप जोड़ा थोड़ा सा इसका सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करो पर कयो न जाए या मुख इसको इन शब्दों के द्वारा तो कहा नहीं जाएगा यदि परमधाम की समझ होगी तारतम ज्ञान के माध्यम से तो परमधाम से अवतरित ज्ञान है इसके माध्यम से कोई समझे तो समझ सकते हैं शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता ये कहने का तात्पर्य ये याद कि रचना आवत है इसके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना को स्मरण करते हैं तो भी वो प्रेम प्रकट होता है क्योंकि मीठी और मधुर वाणी उससे सुनते हैं तो उससे प्रेम प्रकट होता है जिन्हें इसके अर्श देखिए सुख पाइये हक मुतलक जिस प्रेम से परमधाम भी देखेगा और पूर्ण परम परमात्मा के सुख उनसे प्राप्त होने वाले सुख भी प्राप्त होंगे और सुखा का दिल में जाए रहो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो सुख है तो वो उनकी रसना के माध्यम से प्रकट होता है उनके हृदय में जो प्रसन्नता है ब्रह्मात्माओं के प्रति करुणा है वो सब वो बोलते हैं उनकी वाणी से प्रकट होती है सब पूर्ण सुख तब पाइए जब कहे रसना मुखब तो जब पूर्ण सुख तो तभी प्राप्त हो होगा जब वाणी से वो कुछ रचना से कुछ वाणी बोले तो वो कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि वो पूरा पूरा वैसे उनका भाव है सब कुछ है तो साथ साथ में वाणी भी होगी तो और अच्छा होगा ना तो पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा हर अंग सुख देहाक के ऊपर जाहिर सुख जुवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सभी अंग अपार सुख प्रदान करते हैं ऊपर जाहिर सुख जुवान किंतु जैसे कुछ अंग है, उनके स्पर्श करने से पता चलेगा दर्शन से पता चलेगा रचना का तो दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है और स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं दूर बैठे बैठे सुन लेंगे तो भी उससे अपार सुख प्राप्त होगा तो वो तो जाहिर है ऊपर जाहिर सुख जवान जुवा का सुख है वो तो प्रत्यक्ष है बड़ा सुख सुखर् होता है जब वहाँ मुख करे बयान जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने मुखारविंद से बयान करते हैं कुछ बोलते हैं समझाते हैं तो उससे ब्रह्मात्माओं को बड़ा सुख प्राप्त होता है ए बेवरा ये बीच खेल के ये विवरण तो बीच खेल में भी खेल में भी ये सब समझा जा सकता है कम ज्यादा बक्का में ही हाँ अब ये समझने वाली बात यहाँ ये कह रहे हैं देखो सारे अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तो एक से ही है किंतु रसना का सुख ज्यादा ये तो इस खेल में आने से पता चला परमधाम में तो ये पता ही नहीं था ये कह रहे हैं तो अब कैसे अब यहाँ तो फिर उन्होंने अपने रचना से ज्ञान दिया सब कुछ उससे पता चल गया तो ये खेल में ये सब पता चला बाकी खेल में नहीं आते तो पता नहीं चलता ये कहना चाह रहे हैं बेवरा पाइए बीच खेल के कम ज़्यादा बक्का में न क्योंकि परमधाम में तो कम ज़्यादा है ही नहीं ना एक समान है समान अंग सबहक के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सभी अंग समान हैं ये विचार नहीं अरस्य है परम धाम में तो कहीं न्यून है अधिक है उसका विचार ही नहीं होता है न्यून का तो विचार ही नहीं आएगा बहुत बातें सुख अरस्य के इत परम धाम की ऐसी अपार बातें हैं अनेक बातें हैं जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है परमधाम में पता नहीं था सुख हो मतों को आरक्ष में ये जानती न थी निस्वत तो परमधाम में ब्रह्मात्माओं को जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रह्मात्मा वहाँ पर उसका अनुभव नहीं करती थी या निस्वत का तात्पर्य निस्वती ब्रह्मात्मा ये जानती न थी निस्वत ब्रह्मत्माए जो सुख उनको परम धाम में प्राप्त है बस उस सुख में मस्त रहते थे किंतु Uh, कौन सा कैसा सुख है किस प्रकार से उसको ख्याल ही नहीं रहता था उसी में मस्त और रहती थी तो परमधाम में ये मस्ती है तो दुनिया में कमी है इसलिए फिर ये जिस जो अनुभव होता है तो लगता है कि यही सब ठीक है ये सबसे ज़्यादा है सुख जाने ना हक पातशाही इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पातशाही का मतलब उनका साम्राज्य ये भी कह सकते हैं उनका प्रभुत्व उनके प्रभुत्व को न जाने सुख जाने ना हा का इसका उनके प्रेम प्रेम और प्रभुत्व अथवा ऐश्वर्य उसके लिए भी उसके लिए पातशाही कहेंगे तो नश्वर जगत का खेल क्यों दिखाया तो एक अपना ऐश्वर्य को समझाना था तो ऐश्वर्य प्रभुत्व ऐश्वर्य में ही ऐश्वर्य होता है तो ऐश्वर्य का ही प्रभुत्व होता है वैसे देखा जाए तो और दूसरा प्रेम तो इसलिए ब्रह्मात्माओं के दो ही चीज ज्ञात नहीं थी एक प्रभुत्व और दूसरा प्रेम सुख जाने ना रूहें लाड़ के तो ब्रह्मात्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लाड़ प्रेम उसको उसके सुख को समझ नहीं पा रही थी तो इत इलम दिया बेशक इसलिए यहाँ के ब्रह्मांड में ये ज्ञान दिया तो पहले ब्रज और रास में तो ये ज्ञान नहीं दिया तो उसमें भी उनको पता नहीं चला फिर उनको ये ज्ञान देना पड़ा तो हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुकुम इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों का सुख है किन अंगों का कैसा सुख है उसका विवरण तो इस खेल में ही वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया तब हुआ है। अर्जुन अभी नजरों स्वरूप फिर भी अभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नजर में नहीं आ रहे हैं ना तो क्यों वर्ण वर्णवाय का सम अन्यथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कैसे हो सकता था कहने का तात्पर्य यह है इतना सब समझाने के बाद में भी ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है इसलिए ये वर्णन करवाया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तो बाक़ी वैसे अनुभव हो जाता जैसे सतगुरु को हो गया प्राणनाथ जी को भी सतगुरु ने बताया तब हुआ वैसे तो, तो ये सब ऐसे हो जाता तो फिर ये वर्णन क्यों करवाते हके रूहों वास्ते अनेक वचन कहे मुख पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए अनेक वचन समझाए हैं यथार्थम के वचन हैं शुरू जागे हक इश्क का आपन लेशी अरस में सुख तो जब हम जागृत होंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपार प्रेम का सुख है हम परम धाम में उस अनुभव कर पाएंगे तो अभी समझेंगे और उसका अनुभव परम धाम में जागृत होकर कर पाएंगे सुख अनेक दिए हक अरस, हक रसनाएँ इस प्रकार धाम धामधनी की रचना ने हमें अपार सुख प्रदान किए हैं और सुख अलेख अनेक उन सुख वो सुख अलेख जिसका कोई हिसाब नहीं है अपार है और अनेक है असंख्य है सो जागे रूहें सुख पावही ताथे रसना सुखे विषेक इसलिए जागृत आत्मा होती है जाग आत्मा जागृत होने पर इस सुख को प्राप्त कर सकती है तो ताथे रसना सुख विषय इसलिए रसना के सुख को विशेष कहा है क्योंकि रसना के द्वारा जो ज्ञान दिया तो उससे जागृत होंगे ना तो ये विशेष हो गया ना तो जागने का जागते सुख तो इसलिए कहते हैं तीन लीला चौथी घर की इन चारों का या में भोग तो ये सारा अनुभव तो जागने लीला में प्राप्त होगी जा अनुभव कर पाएंगे तो रचना के कारण है तो वो सारे सारा श्रेय रचना को दे रहे हैं हकें खेल देखाया आई वास्ते सुख देखाओ ने अपने अंग तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने अंगों के सुखों को दिखाने के लिए अनुभव करवाने के लिए ही इस खेल के रचना की सुख बड़ा इश्क का रूए ले मिलासी संग अब नश्वर जगत में विरह का अनुभव करके जब आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर पाएंगी विरह की वेदना सहन करने के बाद में उन, उनके मिलन का सुख प्राप्त करेगी तो उस समय उनको पता चलेगा सुख बड़ा इश्क का प्रेम का सुख कितना बड़ा है वो पता चल जाएगा दायम इसके सबों अपना रूहें कहती अपने जुआन ब्रह्मात्माएँ परम धाम में तो क्या बोला करते थे कि हमारा प्रेम ज़्यादा है हमारा प्रेम ज़्यादा इस प्रकार से अपने प्रेम के को बखानती थी या ही रसना बलवास्ते खिल देखाया शोभा तो धामधनी ने अपने रसना अपने उन्होंने परमात्माओं को बताया देखो तुम्हारे पास प्रेम है वो मेरा ही दिया हुआ है इसलिए प्रेम तो मेरा बड़ा होता है ना वो समझाया किंतु उस समय उनकी वाणी वो समझ नहीं पाई तो अपने रचना के बल को क्षमता को समझाने के लिए खेल दिखाया सुभा न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये खेल दिखाया ये खेल दिखाया ना इसके माध्यम से अपने वाणी का महत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि सचमुच उनका प्रेमी श्रेष्ठ है अपने बात को सिद्ध करने के लिए ये खेल दिखाया ऐसा कहना चाह रहे हक हुकुम जुआ के सब हुआ तीन हुकुमे चले कई हुक्म अक्षरात धामधनी ने अपने जीवा से आदेश किया है तो उसी आदेश से सब कुछ हुआ है और उस एक हुकुम से और अनेक हुक्म चलते गए अक्षर ब्रह्मों को कहा देखो तुम हाँ उस सृष्टि में व्यवस्था करो ब्रह्मात्माओं को दिखाना है ब्रह्मात्माओं को बोला तुम तैयार हो जाओ तो अक्षर ब्रह्म ने फिर अपने उसमें ही अपने अंदर तो एक के बाद में जैसे मन बुद्धि ये सब शरीर के अंग भी तो अपने अंदर अंदर काम करते हैं ना एक दूसरे की बात सुन करके के काम करते हैं अब यहाँ से उठने की इच्छा हुई तो क्या होगा तो आँखें अपने आप इधर देख देखेगी फिर पैर अपने आप ही तो खड़े होने लग जाएंगे और पैर खड़े होने में आ, उनको दिक्कत आएगी तो हाथ सपोर्ट के लिए अपने आप चले जाएंगे ये सारा उस सिस्टम होता है एक के बाद एक होता है किंतु वो ऑटो सिस्टम है तो इस प्रकार से ये है वो भी ऑटो सिस्टम है हुकुम तो अक्षर ब्रह्म को बोला तो अक्षर ब्रह्म कौन उसमें है तो तो मूल रूप से तो वो स्वरूप जा रहे हैं दर्शन करने तो।, तो उसके बाद में तो आदेश जाता जाता अव्यकृत तक पहुंच गया और फिर तो उनसे ये पूरी सृष्टि हो गई सृष्टि में फिर तो ये अव्याकृत में से ही तो सृष्टि में भगवान नारायण के रूप में उनकी शक्ति प्रवेश होती है पूरा ब्रह्मांड बनता है और फिर उसमें शक्ति प्रवेश होती है वो मूल रूप से अक्षर की है ना तो वो बस हुकुम के ऊपर हुकुम जा रहा है इस प्रकार से सारी सृष्टि बन गई और ब्रह्मात्माओं को दिखा दिया तो इस प्रकार हुकुम के ऊपर हुकुम चला सो जेता शब्द दुनिया में ए सब हम वास्ते किया ख इस दुनिया में भी जो जो वचन आए हैं ना शब्द का तात्पर्य शास्त्र वचन जो 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 वचन भी दुनिया में आए हैं जो जो शास्त्र अवतरित हुए हैं वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए हैं तो वही तो समझने वाली हैं दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा वो तो श्रवण सुख वो करेंगे अपने अपने हिसाब से अर्थ करेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे ब्रह्मात्माएँ तो यथार्थ क्या है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे हक जुबान की बुजर की किया खेल में बड़ा विस्तार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना अपने अपने ज्युवा की बुज्र की विशेषता उनकी रचना की विशेषता उसको क्या किया किया खेल में बड़ा विस्तार है इस खेल में उसका भी विस्तार कर दिया तो उसने आदेश दे दिया तो अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांडों के रचना की ये भी एक बड़ा विस्तार हो गया तो दूसरा तो यहाँ पर अलग अलग शास्त्र प्रकट करवाए सुख लेख लेसी में तो हम परमधाम में जागृत होने के बाद में इन सब का सुख प्राप्त करेंगे जिनको नाई सुमार जिसका कोई पारावारी नहीं है जेती चीज जरा कोई खेल में सो हक हा हुकुमें हालत अचलत इस जगत में जो भी चलाए मन जो भी स्थिर चर जो भी वस्तुएं दुनिया में हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही क्रियाशील हैं तो उनमें क्रिया है तो वो उससे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही सुख दिए हक रचनाएँ हम केती करें सिफत ये सब सुख हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना के द्वारा प्राप्त हुए सुख हैं अब उसके लिए हम कितनी महिमा गायन करें उसका उसकी कलाम अल्लाह या हदीसें शास्त्र पुराण या वेद अब ये शास्त्र पुराण वेद हों वेद पुराण शास्त्र वगैरह जो भी हो अथवा तो आ, ब, कुरान हदीस आदि जो भी ये वचन अल्लाह कलाम का तात्पर्य ब्राह्मी वचन दुनिया में जिन जिन को ब्राह्मी वचन कहा है अभी तो क्या है कि उसमें अभी तो डंके के चोट पर ये कुरान को ही वो लोग वो अल्लाह कलाम मानते हैं बाकी तो सारे अल्लाह कलाम हैं परमात्मा के वचन हैं वेद हैं सबसे पहले तो वेद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचन है इसलिए उनको अपौरुषेय का तो जो भी शास्त्र हैं तो वो शास्त्र में ब्राह्मी वचन है ब्रह्म निभाते बातें वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही है ये कहना चाह रहे हैं ए सब सुख लेवे मोमिन उन, उनका रहस्य ग्रहण करके आनंदित होने का कार्य भी ब्रह्मात्मा करती है हक अरचना के भेद है ये सब शास्त्र वचन है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रचना के ही भेद हैं उनकी जीवा के ही भेद हैं तो अलग अलग भाषा में अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में ज्ञान प्रकट किया किंतु वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने किया है खेल किया या ही वास्ते इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल किया है हक सुख दिए अपने युवा इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने जुवा अपने जीवा के सुख भी दिए तो जो जो वचन कहलाए और उनका सुख भी दे दिया ब्रह्मात्माओं के अवतरण से पहले कुछ वचन कहलाए और ब्रह्मात्माओं के अवतरण के बाद कुछ वचन कहलाए तो पहले तो सारे शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा समझाया और उनको स्पष्ट करने की कुंजी दे दी सो मेरी इन जुबान सो क्यों कर हो वह अब मेरे इस नश्वर जिह्वा से इतना कुछ है इस अपार सुख का वर्णन कैसे करें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जिह्वा ने क्या क्या कार्य किया है उसको क्या बताएं ये बयान हो सी विचार सके मिल मिलजासी जब हम जब ब्रह्म हम सब ब्रह्मात्माएँ जब जागृत हो करके परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समक्ष जब मिलेंगे कहने का तात्पर्य जागृत होने के बाद में वियोग से मिलन का अनुभव करेंगे ना तो उस समय हक जुवाने का बेवरा हम ले रस में तब तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना का विवरण तो उनकी वाणी का महत्व हमें तब समझ में आ जाएगी बड़े बयान बातें कई जो हक जुआएँ दिए इत तो इस जगत में भी बड़े बड़े बयान बातें मतलब बड़ी बड़ी बातें महान बातें जो भी विशेष बातें हैं इस जगत में जो भी बताई गई है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचनों की इत बेवरा कर जाय अर्श में लेशी लज्जत भी चखिलवत तो इसका विवरण तो यहाँ पर हम समझेंगे इन वचनों को तो परमधाम में जागृत होने के बाद में हमें इसका महत्व और ज़्यादा समझ में आ जाएगा उसको और ज़्यादा आस्वादन कर पाएंगे अहो अक्षराते धामधन ने बोला था तुम तो भूल जाओगे अभी याद रखना मेरे बचनों को एक दूसरे को जगाने के लिए तुम बोल रहे हो तुम भूल जाते हो फिर ये सब ध्यान रखना ये सब बोला था वो तब जा कर के समझ में आ जाएंगी ऐसा होता है उठोकर खाने के बाद में फिर बड़ों के बचन ख्याल आते हैं ऐसा होता है दुनिया में तो इसलिए अभी वही समझा रहे हैं ए बारे का सुख आर श के हक जुआएँ दई नियामत परम धाम के ये सुख है ना ये बड़े ही सूक्ष्म बातें हैं परम धाम की हक जुआएँ दई नियामत अक्षराते धाम धनी के जुहा ने ही ये सारी संपदा प्रदान की है ये सूक्ष्म बातें उन्होंने ज्ञान के द्वारा ही ये सब समझा दिया है उन्होंने ज्ञान दिया तो ये समझ में आई और न कोई पाव ही बिना हक निश्वत और तो कोई इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो उनके साथ में संबंध ही नहीं है इसलिए औरों को तो पता ही नहीं चलेगा ब्रह्मात्माओं को ये सारे रहस्य समझ में आएंगे तो ये कहना चाह रहे हैं तो ये रचना का महत्व है तभी तो यहीं पर रखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बिनाक शबत ए बारिक सुख अरस के